अरे हेलो दोस्तों, तो हम लोग आते हैं ग्रैनी 3 के अंदर और इस बार ग्रैनी जो है वो पहुंच चुकी है सीधा चंद्रयान 3 यानी कि स्पेस में। फास्ट पहुंच, हाँ आज हमारा घर जो है वो स्पेस में जा चुका है और इस बार मैं तुम्हें स्किप करना ही नहीं दूंगा। ये बड़ा नहीं सुधरेगा, बोलते बोलते भी बंदूक चला रहा है। आज तो तुम लोग हमारे यहाँ से स्किप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आज हमारा घर आ चुका है स्पेस में। अबे तेरा घर स्पेस में हो या पाताल लोक में, मैं तो तेरे यहाँ से स्किप करके रहूंगा। अच्छा मैं स्किप पहुंच तो हो जा फिर दो आज। लेट्स गो भाई, लोग हम आ चुके हैं ग्रैनी 3 के अंदर। ये घर ऐसा वैसा नहीं है, ये घर है स्पेस के अंदर। अरे यार, और स्पेस के अंदर तो सारी चीजें उड़ने लगती है ना। हाँ भाई बात तो तेरी सही है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता यार, आज हम यहाँ से स्किप करके रहेंगे। अरे यार चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस ग्रैनी के घर में से निकल के ही रहेंगे। बड़ा आकड़ दिखा रही थी ना ये ग्रैनी, आज इसके स्पेस वाले घर में से भी स्किप करके यहाँ से निकल लेंगे। वैसे यार ये ग्रैनी स्पेस में आई कब पता नहीं भाई साहब, ये कब आई है। अरे लेकिन आराम से, तुम भी ज्यादा आकड़ मत दिखाओ वरना मार जाओगे। अबे हाँ भाई ये ग्रैनी आ गई। बताती तुझे। अबे भाई ये ग्रैनी तो भाई सचमुच बहुत ज्यादा डरावनी है। कोई बात नहीं गाइस, हमें यहाँ से चुप करके बैठना पड़ेगा वरना ये ग्रैनी जो है वो हम पे अटैक कर देगी। यहाँ पे ये दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। अरे यार ताकि हमें मारे ना, यहाँ से निकलने के लिए हमें यहाँ से ग्रैनी का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगता है भाई लोग ग्रैनी यहाँ से जा चुकी है और एक बार चेक करते भाई ग्रैंडपा तो नहीं है। और लेकिन ग्रैंडपा के पास तो शॉटगन भी है। अबे हां भाई वो तो मुझे भी मालूम है और इस बार हमारे पास कोई शक्तियां भी नहीं है यार। अरे आप बिना शक्तियों के हमें यहाँ से स्किप करना होगा, बट कोई बात नहीं, हम वेपन ले लेते हैं। और ये बड़ा हुआ आ गया, बड़ों का बच्चा गोली मारेगा और यहाँ पे हम झुक गए। ये ग्रैंडपा नहीं छोड़ेगा भाई, निकल लो यहाँ से निकल लो। और ये ग्रैंडपा फिर आ रहा है भाई। अरे यार ग्रैंडपा यहाँ पे आए, उससे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। और लगता है हमें ग्रैंडपा को मारने के लिए वेपन की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई वेपन की तो यार हमें चाहिए रहेगी, अगर गाइस हमें यहाँ पे आज वेपन की नहीं मिली ना ऐसे स्किप करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये देखो ग्रैनी, अरे कहाँ गया कलमुआ, आज नहीं जाने दूंगी। अबे भाई ग्रैनी का अगर सचमुच स्पेस में है क्या। अरे यार देखो ना ग्रैनी ने कपड़े भी नासा वाले पहने, और देखना सारी चीजें जो है वो उड़ने लगेंगी। ओ भाई ये स्लेंडर की बच्ची कहाँ से आ गई, अरे भाग जाए यहाँ से। और ये स्लेंडर तो हमारा दिमाग खराब कर देती है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है भाई, स्लेंडर का दिमाग खराब है खुद का भी और हमारा भी कर देती है। और भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी हमें चीजें ढूंढनी पड़ेगी वरना यार ये ग्रैंडपा आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पे तो मैं वेपन की नहीं मिली। हाँ भाई वेपन की वैसे यहीं पर ही पड़ी रहती है, वेपन की मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पेडलॉक की मिली है, अरे यार पेडलॉक की तो हमारी कोई काम की नहीं है। बात तो सही है भाई, और ये ग्रैनी आ गई। छोड़ूंगी नहीं, स्पेस में डंडा मारूंगी तुझे। अबे भाई ये ग्रैनी तो पागल है, बट ये ग्रैनी हमें नहीं पकड़ सकती। अरे तुझे पकड़ना तो क्या, तुझे छोड़ूंगी नहीं। और ये ग्रैनी आ रही है, भागो यहाँ से। हाँ भाई भागो। और हाँ हम ग्रैनी से बच चुके हैं फिलहाल के लिए, बट हमें कोई भी चीज मिल क्यों नहीं रही है। अरे यार ये स्टैंड अप पर से आ गई थी। अबे भाई ये अलग दिमाग खराब कर रही है और हमें कोई और चीज भी नहीं मिल रही, हम यहाँ से एस्केप कैसे करेंगे भला। अरे यार एस्केप तो हमें करना ही पड़ेगा। रुको इस वाले रूम में जा सकते क्या। और ये रूम तो बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं लग रहा। वहां तो तेरी बराबर है भाई, खतरे से खाली नहीं लग रहा ये रूम। अरे यार लेकिन इसके अंदर हम गिरने तो नहीं जाएंगे। नहीं भाई नहीं गिरेंगे। और ये हम खड़े हो गए और वाह चलो हम यहाँ पे सक्सेसफुली आ गए। भाई किसने देखा हमें, अरे यार ग्रैनी ने देखा होगा। और यहाँ पे गाइस हमें फाइनली जो है वो प्लैंक मिल चुका है। अरे यार चलो हमें फाइनली प्लैंक मिल गया, चलो भाई ये होने काम किया। चलो फिर एक बार हम लिफ्ट बुला लेते हैं और लिफ्ट से नीचे चलते हैं। अरे यार चलो लिफ्ट बुला लिए, अब इस प्लैंक की मदद से देखते हैं क्या मिलता है। जल्दी से चलते गाइस और हम यहाँ पे प्लैंक लगाते हैं। अरे चलो यहाँ पे प्लैंक हमने लगा दिया है भाई, प्लैंक हमने लगा दिया है। अब देखते हैं सूरज रूम में क्या मिलता है। अरे आप लोग गैस कर सकते हो कि मैं उस वाले रूम में क्या मिलेगा। अब ये स्नैंडला की बच्ची फिर आ गई और यहाँ पे भाई ये बंदे का जो मोड है ना उसका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो मैं मिल चुका है फाइनली ब्रिज व्हील। अब वाह भाई ब्रिज व्हील हमें मिल चुका है, तो फटाफट से हम लोग जो चलते हैं नीचे और ब्रिज व्हील से जो खोलते हैं हम दरवाजा। अरे यार चलते हैं नीचे जल्दी से भाई, यहाँ से कूदेंगे तो मरेंगे तो नहीं ना। अरे नहीं मरेंगे। चलो भाई हम लोग नीचे आ चुके, एक बार देखूं भाई ग्रैनी तो नहीं है। अरे नहीं यहाँ पे ग्रैनी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। भाई ग्रैनी का कोई भरोसा नहीं है, वो आगे पीछे नीचे कहीं से भी आ सकती है। अरे नीचे से कैसे आएगी पता नहीं भाई, कैसे आएगी। और एक तो ये स्पेस के कपड़े भी पहन के बैठी है, पता नहीं भाई क्यों स्पेस के कपड़े पहन के बैठी है, बट यहाँ पे हमने जो है इसको खोल दिया है। यार और देख लेते हैं इसके पीछे मिलता है कि हमें कुछ नहीं भाई, कार के डिग्गी में कुछ भी नहीं है। टेडी बेयर उठा लेता हूँ। अरे नहीं टेडी बेयर से पहले हमें लिफ्ट बुलानी पड़ेगी। बात तो तेरी सही है भाई, यहाँ पे लिफ्ट पहले बुला लेते हैं और एक बार चेक करते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा में से कोई नहीं आ रहा। अरे नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई आ रहा है। चलो भाई यहाँ पे लिफ्ट जो है वो आने वाली है, लेट्स गो 3 2 1। और यहाँ पे हमने टेडी बेयर उठा लिया है। अरे यार चलो चलते हैं जल्दी से नीचे। चलो भाई नीचे हम लोग आ चुके हैं, बस यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा में से कोई नहीं हो। अरे यार ये लिफ्ट पूरी नीचे आ जाए फिर बाहर निकलना। चलो भाई यहाँ पे बाहर निकल चुके। और एक बार देखो भाई यहाँ पे ये हमने दबा दिया बटन। अरे यार सक्सेसफुली हम लिफ्ट में बैठ चुके हैं। फाइनली गाइस हम सक्सेसफुली लिफ्ट में बैठ चुके हैं, यानी अब स्लेंडर का टेडी बेयर जो है उसके झूले में रख देंगे। भाई साहब स्लेंडर का टेडी बेयर भी उसके झूले में रखना ना अपने आप में टास्क है। अरे यार टास्क नहीं बहुत बड़ा टास्क है भाई। बात तो तेरी सही, टास्क तो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे देखो भाई ये तो झूल रहा है। अरे यार स्पेस मोड में तो देखो ये कहाँ हवा में उड़ रहा है। अबे भाई कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। ओ भाई साहब ये तो उड़ ही जाता। अरे इसको फेंकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है भाई, नामुमकिन तो लग रहा है भाई। कहाँ गया, अबे कहाँ गया भाई। ओ वो देखो भाई उड़ रहा है। अरे यार हम लोग स्पेस में ना इसलिए ऐसा हो रहा है भाई, मेरे को भी पता है ऐसा हो रहा है, बट ये झूले में जाएगा कैसे। अरे यार ये झूले में नहीं जाएगा, नहीं जाने दूंगी नहीं जाने दूंगी भाई, ये तो बड़ा बड़ा टास्क है यार। अरे चला गया फाइनली आज भाई, फाइनली ये जो जा चुका है स्पेस में। तुमने मुझे मुक्त कर दिया।
यार, धन्यवाद तुम्हारा। अबे हाँ भाई तू निकल, तू भाई वापस धरती पे जा। अरे वैसे भी मेरा यहाँ गला घुट रहा था। चलो भाई स्लेंडर ने हमें सेफ की दे दिया। अरे यानी हम सेफ की से देख सकते हमें क्या मिलता है। हाँ भाई बट सेफ लॉकर कहाँ पर था? अरे यार बार बार सेफ लॉकर क्यों भूल जाते हो? अब बार बार का भाई, पहली बार तो है मेरा। और ग्रैनी ट्री का सेफ लॉकर कहाँ पे था? सचमुच मैं भी भूल गया। अबे भाई कहाँ पे था, एक बार रुको याद करने दो। अरे हाँ बाथरूम में था ना। अरे चलो बाथरूम में चलते हैं। बाथरूम में तो हम लोग चल रहे हैं बट यहाँ पे ग्रैनी ग्रेट पर तो नहीं है। अरे एक बार चेक करके चलना पड़ेगा हमें। हाँ भाई एक बार देख देख के चलना पड़ेगा भाई, कोई भी मिला ना भाई तोड़ देंगे हमें। अरे यार स्पेस मोड में तो सच मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे हाँ भाई स्पेस में आके भाई ग्रैनी ग्रेट से एस्केप करना सचमुच बहुत मजा मुश्किल है हो जाता है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें कोकोनट मिल चुका है। स्पेस मोड तो सचमुच बहुत खतरनाक है भाई। ये ग्रैनी को पता नहीं कौन कौन से चस्के चढ़ते हैं भाई। चंद्रयान 3 देखने आ गई है स्पेस के अंदर। अरे भाई रुक जाओ यहाँ पे, पहले ग्रैनी ग्रेट को देख लूं। अरे नहीं है ये लोग यहाँ पे, नहीं है। बस भाई ये लोग यहाँ पे नहीं है, शुक्र है भाई। चलो यहाँ पे कोकोनट को लगाते हैं और यहाँ पे हमने कोकोनट खोल दिया है। अरे और क्या मिल गया हमें, वेपन की। ये हुई ना कुछ बात। अब देखो भाई इन बुढ़ाऊ बुढ़िया दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बट एक बार ही रुको यार, हमें यहाँ पे जो है, और भाई देखो वो देखो नारियल का स्पेस में उड़ा है। और वो देखो नारियल तो हवा में जा रहा है। अब यहाँ भाई क्योंकि हम स्पेस में है ना, नारियल देखो भाई कैसे सा उड़ रहा है यार। यही तो है स्पेस का कमाल। हाँ भाई स्पेस और चंद्रयान 3 दोनों का कमाल। यहाँ पे कैसे हमें पत्थर जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। और लेकिन पत्थर तो हवा में होंगे, बात तो सही है भाई, पत्थर तो यहाँ पे हवा में होंगे भाई, नीचे तो नहीं होंगे। बट एक दो पत्थर हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और वो देखो सामने की तरफ एक स्टोन पड़ा हुआ है। हाँ भाई ये भी देखना भाई हवा में ही होगा जरूर। अरे ये देखो ये भी हवा में ही है। ये देखो भाई यहाँ पे ये हमें मिल चुका है, एक ही पत्थर मिला है भाई। कम से कम दो पत्थर तो ले लो क्योंकि ग्रैनी ग्रेनेड पर दोनों को टपकाना है। अरे यार उसके लिए दो पत्थर लगेंगे। और बड़ो फिर से आ गया भाई, ये फिर गोली मारेगा हमें भाई। छुप जाता हूँ और लेट्स गो। और यहाँ पे ये मैं छुप गया। और यार देखो ये एक और पत्थर मिल गया हमें। चलो भाई यहाँ पे एक और पत्थर मिला है, आराम से भाई नदी में नहीं कूदना। अरे नदी में कूदे तो वो मंगरू हमें खा जाएगा भाई, मंगरू तो हमारी ऐसे कर देगा। यहाँ पे देखो एक पत्थर और पड़ा हुआ है। अरे यार चलो ये पत्थर भी उठा लेते हैं। चलो भाई ये पत्थर भी उठा लिया है। अब जो गाइस हमें वेपन लेने चलना पड़ेगा ऊपर। अरे यार बस हमें ग्रैनी ना मारे। अरे हाँ अगर ग्रैनी दिख गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अबे यार नोबिता वैसे तू चुपचाप क्यों बैठा था? अबे भाई ये ग्रैनी तो आ गई। अरे चलो जल्दी से इसको खोलते हैं। खोला और यहाँ पे हम मरने वाले हैं। और यहाँ पे ये पड़ा, ओ भाई साहब शिट, मुझे मारने का सोच रहा था, छोड़ूंगी नहीं तुझे। फाइनली जो हमें यहाँ पे वेपन की, और वेपन, अबे वेपन कहाँ गया? अरे यार वेपन ये हवा में पड़ा हुआ है। हाँ भाई वेपन हमने ले लिया था, वेपन हवा में। अरे तो चलो सबसे पहले ग्रैनी को निपटाते हैं। हाँ भाई ग्रैनी कहाँ है तू, जल्दी जल्दी पियानो बजाते हैं। आजा भाई ग्रैनी ग्रेट पा, आजा भाई एक एक करके मारूंगा सबको। यार अब बारी है ग्रैनी ग्रेट पा को मारने की। हाँ भाई ग्रैनी नीचे से आएगी क्या? नहीं भाई ग्रैनी नीचे से तो नहीं, ग्रैनी ऊपर से आएगी। और ये आ गई ग्रैनी, और लेट्स गो भाई लोग, 3 2 1 हाय राम मेरी पत्ती से गुल कर दी। अब भाई ये देखो ग्रैनी तो कहाँ ही हवा में उड़ रही है। और यार क्योंकि हम लोग स्पेस में और ग्रैनी तो हवा में ही उड़ेगी ना, बात तो तेरी सही है। और एक बार ग्रैंड पा आ जाए। और ये रहा ग्रैंड पा, और ये पड़ा इसमें। ओ भाई साहब बचे भाई साहब। ये देखो भाई एक बार रुको, इस ग्रैंड पा के टकले में मारता हूँ। यार देखो ग्रैंड पा भी उड़ रहा है। हाँ भाई थोड़ा इसको हवा में झुलाते हैं। ले भाई तू भी झूल ले। अरे भाई ग्रैंड पा तो देखो हवा में झूल रहा है भाई, यही तो है स्पेस का कमाल। ले भाई ग्रैंड पा झूल भाई। बट हमें मस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें यार इसी बात का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि अब हमें मिल चुकी है शॉर्ट गन भी। और यानी अब यहाँ से एस्केप करना ईजी हो गया है। अब यहाँ भाई अब यहाँ से एस्केप करने के लिए थोड़ा सा हमें जो है वो सपोर्ट मिल चुका है क्योंकि गाइस हमारे पास है शॉर्ट गन। और यार तो जल्दी से हम लोग वास वाला काम कर लेते हैं। बात तो तेरी बराबर है भाई, पेडलॉक की हमें मिल गई थी तो हमें वास वाला काम करना पड़ेगा। और भाई ये कहाँ चला गया? अरे यार वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अबे भाई ये वास भी तो हवा में उड़ेंगे। अरे यार वास तो हवा में उड़ेंगे बट हमें हवा से कैच करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे वास जो हमने एक हवा में कैच कर लिया, और शॉर्ट गन जो है वो ऊपर पटकी हमें याद रखना पड़ेगा। अरे अगर हमने याद नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी, बात तो तेरी सही है। यहाँ पे हमने एक जो है वो भर लिया यहाँ पे वास। अरे यार हमें एक वास को जल्दी से नीचे लगा देना चाहिए। हाँ भाई एक वास हम लगा देंगे, उसके बाद जो सेकंड वाला वास है वो भी हमने इजीली लगा देंगे। पर उससे पहले हमें ग्रैंड ग्रेनेड को फिर से मारना पड़ेगा। हाँ भाई क्योंकि वो वापस से जिंदा सकते हैं। और ये देखो भाई उड़ते उड़ते कहाँ पर आ गया ये। और ग्रैंड ग्रेनेड पर जब ऊपर उड़ते हैं ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ भाई बात तो तेरी सही है भाई, कैसे वो हवा में उड़ रहे थे यार, आप लोगों ने देखा यार। और यहाँ पे जल्दी से वास को हम पटक देते हैं भाई। वास हमने एक लगा दिया है और चलो हम लोग ऊपर की तरफ पहुंचने वाले हैं। हाँ भाई ऊपर की तरफ तो हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे वास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे यार वास तो ऊपर की साइड होगा कहीं, पता नहीं भाई कहाँ पर है। और ये देखो भाई ये भी ऊपर ही उड़ा पड़ा है। ये देखो मिल गया हमें वास। चलो भाई वास में मिल चुका है। और एक बार वो देखो भाई वो ऊपर कैसे उड़ा है? अरे यार क्योंकि स्पेस में यार ये कोई नई बात थोड़ी ना है। पता नहीं भाई ग्रैनी ग्रेनेड को क्या सूझा, ये लोग स्पेस में आ गए। पर ये स्पेस में हो या पाताल लोक में हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से एस्केप करके ही रहेंगे। यार स्पेस में हो या पाताल लोक, एस्केप तो करना बनता ही है। चलो अब बातें करना बंद करो, जल्दी से काम करो। अरे यहाँ भाई काम जल्दी से करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने काला पानी भर दिया है और फटाफट से हम लोग चलते हैं नीचे और वास को रख देते हैं। हाँ क्योंकि ग्रैनी ग्रेनेड उठने वाले होंगे, बात तो तेरी बराबर है भाई। ग्रैनी ग्रेनेड उठ गए ना तो समस्या हो जाएगी। इससे पहले ग्रैनी ग्रेनेड उठे हम लोग ये वास को रख कर आते हैं। यार ग्रैनी ग्रेनेड देखना उठी जाएंगी, शुभ शुभ तो बोलेगा ही नहीं ना कभी तू। चल भाई यहाँ पे ये वास हमने रख दिया है और दोनों के वास कम्प्लीट हो चुके हैं। यानी अब हमें पेडलॉक की लेकर आनी है। पेडलॉक की कहाँ पर थी भाई? पेडलॉक की ऊपर ही कहीं पर थी, वो ड्रॉवर में थी। अरे कौन से ड्रॉवर में भाई? कोई ना कोई तो ड्रॉवर था जिसमें थी हमें। हाँ वो जहाँ पे वेपन की थी ना वहीं पर उस ड्रॉवर में थी। चलो फिर लेकर आते हैं भाई, रुक जा। उससे पहले अपनी सेफ्टी के लिए वेपन की ले चले, मतलब की
वेपन ले चले। अरे यहाँ पे देखो शॉटगन काट की पड़ी हुई है, कोई बात नहीं शॉटगन हमने ले लिया है, यहाँ पे जल्दी से इसमें एमो भर लेते हैं। अरे यार ताकि ग्रैनी ग्रेनेड पर जब भी हमें देखे हम उन्हें उड़ा दे। उठ तो वो चुके होंगे और ये देखो भाई ग्रैनी का नाम लिया। कल मुझे छोड़ूंगी नहीं। अबे पहले बच तो ले भाई, अकड़ तो इनमें इतनी ज्यादा है कि पूछो मत भाई। तो यहाँ पे जो ग्रैंडपा को हमने मतलब ग्रैनी को उड़ा दिया है, एक बार ग्रैंडपा को उड़ा देना तो हमें तसल्ली हो जाएगी। पर ग्रैंडपा लगता है अभी तक जिंदा नहीं हुआ है। बात तो तेरी सही है भाई, ग्रैंडपा जिंदा नहीं हुआ है। एक काम करते हैं शॉटगन को हम नीचे ड्रॉप कर देते हैं। अरे शॉटगन को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और लेकर आते हैं जल्दी से वेपन की भाई। पर ये शॉटगन ग्रैंडपा को मिल गई ना तो समस्या हो जाएगी। चलो चलते हैं नीचे। हाँ भाई नीचे ही चलते हैं भाई, ग्रैंडपा अभी तक तो जिंदा नहीं हुआ है। आई होप सो जो ऐसे शॉटगन नहीं मिले। अरे लेकिन शॉटगन तुमने इतने खुले में रख दिया तो उससे शॉटगन इजीली मिल सकती है भाई। ये देखो ताला उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। और यहाँ पे हमें मिल चुकी है जनरेटर केबल। यार जनरेटर केबल मिल गई है तो जल्दी से जनरेटर केबल में लगाते हैं। अबे बट उससे पहले हमें जनरेटर की भी तो चाहिए। यार जनरेटर की हमें मिलेगी नीचे से, मतलब की कौए के पास से। अबे हाँ भाई शेड की हमें मिलेगी कौए के पास। यार हम जनरेटर की क्यों बोल लेते उसे। हाँ भाई जनरेटर की भी कह सकते हैं क्योंकि वो जनरेटर में ही लगेगी भाई। ग्रैंडपा सो तो नहीं गया। और ये देखो भाई ये यहाँ पे आराम से सो रहा है, मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ पास की पहुंच। सोता हूँ कोई मारता है क्या भला। हाँ भाई मारना पड़ता है क्योंकि तुम लोग इतने खूंखार हो, इतने कमी हो ना भाई। चलो यहाँ पे एक गेमो पड़ी हुई है, एक गेमो से हम क्रो को मार सकते हैं। अरे यार कमेंट में लिख दो आरआईपी क्रो, क्योंकि क्रो अब जाने वाला है। हाँ भाई क्रो से हम जो है वो बाय बाय टाटा करने वाले हैं। और क्रो से हम ले लेंगे शेड की। और यहाँ पे इसको कर दिया बाय बाय टाटा और मिल चुकी है शेड की। चलो फिर चलते हैं यहाँ से नीचे। हाँ भाई नीचे की तरफ निकल लेते हैं क्योंकि हमें जो शेड की से वो शेड लॉक करके जनरेटर को उसमें लगाना है। अरे यार ग्रैनी मर चुकी है, ग्रैंडपा मर चुका है और यहाँ पे सब जो है वो लाइन हमारी क्लियर है। हाँ यार यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए लाइन हमारी क्लियर है तो हम नीचे जा सकते हैं और शेड की को जो है वो जल्दी से शेड में लगा के शेड लॉक अनलॉक करते हैं। अरे यार चलो यहाँ पे हम लोग ने ये खोल दिया और यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे फ्यूज मिल चुका है, यानी फ्यूज को हम लोग ऊपर लगा सकते हैं। अरे यार तो चलेगा सबसे पहले फ्यूज लगाने। भाई ग्रैनी ग्रैंडपा जिंदा ना हो जाए भाई, फ्यूज तो हम लगा ले मेरे को वो दिक्कत नहीं है, बट ग्रैनी ग्रैंडपा जिंदा हो गए ना तो छोड़ेंगे नहीं हमें। चलो भाई पहले फ्यूज को छोड़ो क्योंकि हमें फ्यूज का बटन ऑन करने भी जाना पड़ेगा, इसलिए हम एक काम करते हैं पहले जनरेटर केबल को लगा देते हैं। अरे जनरेटर केबल सबसे पहले लगनी चाहिए। चलो भाई जनरेटर केबल हमने लगा दी है, यहाँ पे जनरेटर जो है वो ऑन हो चुका है। अरे यार ग्रैनी ने बिजली का बिल नहीं भरा था ना इसलिए उसकी लाइट नहीं चली गई थी। और भाई एक सेकंड ये देखो भाई शॉटगन कहाँ चली गई है, और शॉटगन तो ग्रैनी के घर से जा रही है। अबे भाई लगता है ये तो धरती लोक पे जा रही है भाई, क्या हो रहा है। और वो देखो ताला आसमान में था और पता नहीं यहाँ पे हो क्या क्या हो रहा है, पता नहीं भाई क्या क्या हो रहा है। बट ग्रैनी ग्रैंडपा यार मेरे हिसाब से जिंदा हो चुके होंगे। अरे आप वो जिंदा हो चुके होंगे और शॉटगन पता नहीं कहाँ उड़ के चली गई है भाई, उन्हें हम मार भी नहीं सकते। ग्रैनी यहाँ पर है, ग्रैंडपा जरूर ऊपर होगा। अरे नहीं ग्रैंडपा नहीं होगा ऊपर। अबे भाई तू कह रहा है नहीं होगा बट हुआ ना तो समस्या हो जाएगी। और देखते हैं ग्रैंडपा ऊपर है कि नहीं। नहीं भाई ग्रैंडपा ऊपर नहीं है। फाइनली गाइस यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया है और इसको कर दिया हमने ऑन। अरे यार और गेट हो चुका है ओपन। चलो भाई गेट ओपन हो चुका है तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। अरे यार तो चलो चलते हैं यहाँ से। चलो भाई फाइनली हम लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं, बट भाई ग्रैंडपा नहीं दिखना चाहिए। अरे ग्रैंडपा नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है तो ग्रैंडपा कहाँ चला गया भाई। वो देखो शॉटगन तो पता नहीं कहाँ चली गई। अरे लगता है वो तो चली गई सीधा पाताल लोक। पाताल लोक कहाँ जाएगी भाई, वो ब्लैक होल में चली जाएगी। और ये देखो ग्रैनी आ रही है। अरे भाई भाई ग्रैनी हम तो यहाँ से जा रहे हैं भाई। फाइनली गाइस हम यहाँ से भी ग्रैनी के घर से एस्केप कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना। कलम हुए करके भाग गए क्यों ग्रैनी, कैसा रहा, हम तेरे स्पेस वाले घर में से भी भाग गए। पास की पहुंच ग्रैनी के तो भाग गए। चलो हम लोग चंद्रयान 3 देखने चलते हैं। अरे ग्रैंडपा हम लोग चंद्रयान 3 देखने चलते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।